हाय बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स फर्स्ट चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का अलजेब्रा का। तो हेडिंग देना बच्चों मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिक्स, पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले देखते हैं बच्चों मैट्रिक्स है क्या, लिखेंगे सारे बच्चे आप साथ साथ लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में फर्स्ट उसका डिफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट में देंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। पहला बात आपको समझना है कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बस जस्ट एक नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इन रो एंड कॉलम। नंबर रियल भी हो सकता है बच्चों और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी ईटीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर आर m रोज एंड m कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी m इंटू n मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम्स है तो उसको बोलेंगे m इंटू n मैट्रिक्स। जनरल लेते हैं बच्चों, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक बिग ब्रैकेट बनाएंगे और इसके बीच में इसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे ए वन वन, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉलम्स ए वन वन ए वन टू ए वन एन ए टू वन ए टू टू ए टू एन और इसी तरह होगा बच्चों ए एम वन ए एम टू और ए एम एन और यहां पे ऑर्डर लिख देते हैं एम इंटू एन। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे बच्चों तो हम वैसे लिखते हैं ए आई जे और यहां पे एम इंटू एन, ए आई जे सबस्क्रिप्ट ए वन वन ए वन टू ए वन एन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एनथ कॉलम और एम एन। एम क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को और एन क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स को। यदि मैं आपसे बोलूं बच्चों कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे तो टोटल एलिमेंट्स होंगे एम इंटू एन एम इंटू एन, तो टोटल एलिमेंट होगा एम इंटू एन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स बस जस्ट एक नंबर का अरेंजमेंट है, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों 3 2 5 9 तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन डिटरमिनेंट बोल दूं कि ए कोई डिटरमिनेंट है 3 2 5 9, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 × 9 और -5 × 2 तक वैल्यू आएगा बच्चों कितना 27 - 10 कितना बच्चों वैल्यू आ गया। वैल्यू होता है सॉल्व करने के बाद, नोट पॉइंट देखते हैं बच्चों, नोट में लिखना, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स एंड इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इन केस ऑफ डिटरमिनेंट, एज इन केस ऑफ डिटरमिनेंट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है।
तो ये आपको डिफिनेशन जानना है। तो देखते हैं बच्चों टाइप के बारे में, नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों देखते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का टाइप आपको जानना जरूरी है, हर एक का नेम जानना होगा तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नाम से ही क्लियर है, एम इक्वल टू एन। एम क्या है बच्चों, अभी हमने बताया एम किसको मानेंगे, नंबर ऑफ रोज को, और एम किसको मानेंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स को, कॉलम्स को। यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए बच्चों तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो एग्जांपल आपका होगा 2x2 मैट्रिक्स, टोटल चार एलिमेंट होंगे 6, 3, 2, 1, दो रो दो कॉलम, रो और कॉलम इक्वल। बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं 6, 3, 5, 9, 8, 2, -1, 0, 3, ये आपका हो गया 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट बी मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन है बच्चों एम लेस देन एन, रो का संख्या कम हो कॉलम का संख्या ज्यादा हो, रो का संख्या कम हो कॉलम का संख्या ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल इसका हो गया इसमें दो रो और तीन कॉलम, दो रो और तीन कॉलम। कुछ एलिमेंट ले सकते हैं इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन रो और वर्टिकल लाइन कॉलम। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड वन वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, एम ग्रेटर देन एन, रो का संख्या ज्यादा हो कॉलम का संख्या कम हो। तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों रो का संख्या ज्यादा 3x2, 6, 2, 8, 9, 3, 5, तीन रो और दो कॉलम, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट होता है बच्चों रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो, इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, ओनली वन रो। कॉलम कितना भी हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक और केवल एक, तो एक ही रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। उसमें रो एक है और कॉलम तीन है, दिस इज द रो मैट्रिक्स। फिफ्थ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, वेक्टर। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। एक ही कॉलम हो, रो तीन है और कॉलम एक हो, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ईच एलिमेंट जीरो, ईच एलिमेंट जीरो, इसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, नाम से क्लियर है, दिस इज द नल मैट्रिक्स। तो बच्चों कोई ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ, और वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है 0 0 0 0, दिस इज द 2x2, जिसको हम लिखेंगे ओ 2x2।
ओ टू बाई थ्री, दो रो तीन कॉलम, सारा का सारा एलिमेंट जीरो, दो रो तीन कॉलम, दिस इज द नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। सेवन, काफी इंपॉर्टेंट, दिस इज डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स बच्चा, दिस इज इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में पहला पॉइंट आपको जानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा, दूसरे मैट्रिक्स का डिफाइंड ही नहीं होता है। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डिफिनेशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी, सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। मैं आपको एक यहां इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं बच्चों, इसको बहुत आराम से सीखना। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बोला बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स का इंडिफाइंड होगा, दूसरे का डिफाइन नहीं होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हम लोग एक रूप देखते हैं, थ्री बाई थ्री। अरे बच्चों, दिस इज ए वन वन, दिस इज ए वन टू, दिस इज ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, यस और नो बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझना बच्चों, सॉरी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स। व्हाई कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, कोई बच्चे बोलते सर इसको भी तो डायगोनल बोल सकते हैं, इसका आई और जे बराबर होता है, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, इसीलिए इसको बोलते हैं आई और जे इक्वल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला, ऊपर वाला एलिमेंट की खासियत देखिए, इसकी खासियत क्या है बच्चों, आई लेस देन जे, देखिए बच्चों आई वन, जे टू, वन थ्री, टू थ्री, आई लेस देन जे, और नीचे वाले एलिमेंट का खासियत देखिए बच्चों, आई ग्रेटर देन जे। मतलब यदि मुझे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें आई और जे इक्वल होगा कि नहीं होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर क्या होगा, आई लेस देन जे होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे क्या होगा बच्चों, आई ग्रेटर देन जे होगा। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है कि उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल की बात करूं तो आप लिखोगे कि थ्री बाई थ्री ऑर्डर का हम लेते हैं बच्चों, तो आई नॉट इक्वल टू जे, इसका डायगोनल का तो आई और जे बराबर है, ऊपर वाले का आई नॉट इक्वल टू जे, नीचे वाले एलिमेंट का भी आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट दिखाई दे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो, और इसके अलावा बाकी सारा जीरो हो जाए, सारा जीरो हो जाए, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे भी सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डायग, डायग लिखेंगे और इसका एलिमेंट को लिख देंगे टू थ्री फोर। डायग टू थ्री फोर का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल में हमको टू थ्री फोर डालना है, बाकी जगह जीरो डालना है। यदि मैं आपको लिख दूं बच्चों कि डायग वन थ्री माइनस टू, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर का होता है, और तीन एलिमेंट है तो थ्री बाई थ्री, और डायगोनल में वन थ्री माइनस टू, और बाकी जगह एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे ना, तो इसका नोटेशन आपको याद रखना है डायग टू थ्री फोर, डायग डी वन डी टू डी थ्री डी एन, एन ऑर्डर का होगा। तो ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स, नोट करना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स, नाइन नंबर ना, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसका डिफाइंड होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का। तो पहला पॉइंट आपको समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होगा। अभी हम लोग समझ गए ना डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो और बाकी सब जीरो हो।
और दूसरा इंपॉर्टेंट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी स्केलर मैट्रिक्स को मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो इसमें सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का डिफाइंड होगा और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, 6 6 6, बाकी जगह 0। तो जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के क्रॉस नहीं होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे बच्चों। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी दिस इज 8 नंबर, 9 यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, और यहां पे हो जाएगा इंच डायगोनल एलिमेंट्स, कितना होगा बच्चों, यूनिटी हो जाएगा, मतलब 1 होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, I3 का मतलब 3x3 यूनिट मैट्रिक्स, अब यूज होगा बच्चों प्रॉब्लम में, मतलब इसमें सिर्फ 1 होगा और बाकी जगह 0 0। I2 1 1, बाकी जगह 0 0। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट वन है बच्चों आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लास्ट देखते हैं बच्चों 10 नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं बच्चों, पहला होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग लोअर ट्रायंगुलर समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई लेस देन जे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट्स जो होंगे उसके आई और जे इक्वल होंगे ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होंगे उसका आई लेस देन जे होगा, जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होगा वो आई ग्रेटर देन जे होगा। मतलब लोअर ट्रायंगुलर के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट्स गारंटी है कि 0 होना चाहिए। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका सेकंड पार्ट है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर इसका जस्ट अपोजिट होगा ना, तो लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी अपर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। बच्चों आई ग्रेटर देन जे किसका होगा, नीचे वाले का ना, तो नीचे वाले का सारा एलिमेंट्स 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रख दीजिए, नीचे आपको सारा 0 दिखाई देना चाहिए। दिस इज एग्जांपल ऑफ द अपर ट्रायंगुलर। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुआ बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स दोनों हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ लोअर ट्रायंगुलर है अपर ट्रायंगुलर। तो नोट पॉइंट इसको लिख लेना बच्चों कि डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। सब यूज पड़ेगा बच्चों आपको अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे अलजेब्रा, नोट करना बच्चों। तो मैंने टाइप सारा डिस्कस कर लिया, मैट्रिक्स का डिफिनीशन 10 टाइप्स। अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस।
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है बच्चों? जस्ट एक नंबर का अरेंजमेंट है ना, रो एंड कॉलम। तो दो मैट्रिक्स इक्वालिटी कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, सेम ऑर्डर में ही इक्वालिटी होगा। बोथ ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, तभी इक्वालिटी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। एक ऑर्डर हो गया 2/3, एक ऑर्डर हो गया 3/4, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा बच्चों। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स यदि आपका है बच्चों A11, A12, A21, A22 और B मैट्रिक्स है बच्चों B11, B12, B21, B22। थोड़ा सा एग्जांपल ले रहे हैं 2/2। और यदि हम बोलते हैं कि A बराबर B है, A और B मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो मैट्रिक्स कब होगा बच्चों? इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग? A11 B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो, A21 B21 के बराबर हो और A22 B22 के बराबर हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो आपको लिखना होगा A11 B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो, A21 A22 के बराबर हो और B21 के बराबर हो और A22 B22 के बराबर हो जाए। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो इक्वालिटी में आपको इतना ही जानना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएगा बच्चों, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो इक्वालिटी के बाद देखते हैं बच्चों अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा कि दो नंबर हम लोग जब से पढ़ते हैं तो हम लोग उसको जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट है आपका एडिशन, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहला पॉइंट आपको इसमें जानना होगा बच्चों कि ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। एक का ऑर्डर होगा 2/3, एक का ऑर्डर होगा 5/2, तो आप इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अब बच्चों बोलेंगे आप जोड़ेंगे कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। दो मैट्रिक्स लेते हैं बच्चों A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21 और B22। ये मुझे दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो रूल क्या कहता है बच्चों? दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए ना बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दूसरा उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से, A21 ऐड होगा B21 से और A22 ऐड होगा B22 से। करस्पॉन्डिंग ऐड कर दी, आपको ऐड करने आता है A11 B11, A12 B12, A21 B21, A22 B22। इसका ऑर्डर यदि 2/2 है, इसका ऑर्डर यदि 2/2 है, इसका भी ऑर्डर यदि 2/2 ही आएगा। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, देखना बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो पहला, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब ये कॉमुटेटिव, कॉमुटेटिव लॉ फुलफिल करता है मैट्रिक्स एडिशन। ए प्लस बी जो करें या बी प्लस ए, कॉमुटेटिव लॉ फुलफिल होगा। दूसरा, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी करें, मतलब एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल करेगा बच्चों। और तीसरा, के इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा के ए प्लस के बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फुलफिल करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वेयर के इज ए
स्केलर नॉट मैट्रिक्स, यहाँ पे के मैट्रिक्स नहीं है, ए और बी मैट्रिक्स है लेकिन के मैट्रिक्स नहीं है। और लास्ट ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है तो ये कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग काट सकते हैं। बोलो सर ऐसा तो करते थे पहले, तो ऐसा हम लोग एडिशन में कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते हैं बच्चों। राइट कैंसिलेशन, जैसे बी प्लस ए सी प्लस ए है तो ये और ये काट सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहां से आपका आ जाएगा बी इक्वल टू सी और यहां से आ जाएगा बी इक्वल टू सी। सब्ट्रैक्शन, मेरी मेरा बच्चों सब्ट्रैक्शन सेकेंड वन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही बात होगा, जोड़ना और घटाना, ये और भी का सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस माइनस कर देंगे तो सेम हो जाएगा बच्चों, कर लेना, सेम ऑर्डर का होना चाहिए और बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी निकल जाएगा। नोट कर लेना बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अलजेब्रा में हम लोगों ने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, एडिशन का प्रॉपर्टी, थर्ड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा ए कोई मैट्रिक्स है बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स है, सिंपल से आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, सारे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे बोलू के ए चाहिए तो के और ए मैट्रिक्स ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तो के जो होगा बच्चों वो सारे में जाएगा, यानी के आपका जाएगा सारे एलिमेंट्स में, ए वन वन के ए वन टू के ए टू वन के ए टू टू। बहुत आसान है बच्चों, ए कोई मैट्रिक्स है टू वन फाइव माइनस थ्री, मैं आपसे बोलूं कि थ्री ए बताइए बच्चों, तो आप बोलेगा थ्री से मल्टीप्लाई कर, किसी मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना, तो थ्री यहां आ जाएगा, थ्री टू सिक्स थ्री फिफ्टीन और माइनस नाइन, कितना आसान है। तो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से सीखना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते, बहुत आराम से सीखिएगा बच्चों। ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाइड करना, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा बच्चों कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहां पे पॉसिबल है या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बोलूं कि ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है m इंटू एन और बी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है n इंटू पी, तो बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बहुत अच्छे से। बोलो सर कंडीशन क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए, इसको नोट कर लेना कहीं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होगा तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लीकेशन जब पॉसिबल है तो जब ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो अब ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों उसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू पी, एम इंटू पी। ये बात समझ में आ गया? पहले आपको कंडीशन देखना होगा कि क्या दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है,
और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल का पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो पहले होगा उसको बोलेंगे प्री फैक्टर और जो बाद में होगा उसको बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। और मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन पहले है कौन बाद में है ये इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, ऐसा नहीं है ये कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल नहीं करता है ए बी और बी ए इक्वल होगा ऑलवेज। तो पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और दूसरा बात आपको समझना होगा कि जो मल्टीप्लाइड होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा एम इंटू पी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 तो मैं बोलूं कि मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लीकेशन करने के लिए पहले आपको कंडीशन चेक करना होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है बच्चों। तो हम बोलेंगे हाँ ए और बी मल्टीप्लाइड होगा और उसका ऑर्डर आएगा 2/2। कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन वो हम लोग अभी देखते हैं, पहले सीखते हैं कि आखिर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा बच्चों ए बी यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो देखते हैं बी ए पे क्या होता है। बी का ऑर्डर है 3/2 और ए का ऑर्डर है 2/3 तो हम आपसे पूछेंगे क्या बी ए पॉसिबल है। आप बोलोगे यस, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकेंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है और जो बी ए का ऑर्डर आएगा बच्चों वो आएगा 3/3 मतलब ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल। ए बी का ऑर्डर देखिए 2/2 है और बी ए का ऑर्डर 3/3 है, तो ये नंबर की तरह नहीं है कि 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6 का कमोटेटिव लॉ फुलफिल होगा। देखिए ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 का है और बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया। एक मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 बहुत अच्छे सीखना। ए का ऑर्डर है 3/4 और बी का ऑर्डर है 4/5। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि क्या ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। आप बोलोगे यस, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है तो और जो ऑर्डर आएगा वो 3/5 आएगा बच्चों। लेकिन मैं बोलूं कि क्या बी ए पॉसिबल है, तो बी में पहले बी को रखना है प्री और ए पोस्ट बाद में 3/4 तो क्या बी ए पॉसिबल है। यहां पे बी ए पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या क्या इसके रो के संख्या के बराबर है, नहीं है ना बच्चों। तो ए बी पॉसिबल है, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और उसका ऑर्डर आएगा 3/5 लेकिन बी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं हो, वो मल्टीप्लाइड ही नहीं हो पाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले तो आपको कंडीशन चेक करने सिखाएं कि कैसे कंडीशन देखा जाता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अब पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे बच्चों, वो हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहता हूं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। मैं पहले से ही रखा इसका कॉलम का संख्या इसके रो के संख्या के बराबर। चलो जनरल मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A21, A22 और यहां 2/3 दो रो तीन कॉलम B11, B12, B13, B21, B22, B23। प्यारे बच्चों ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बच्चों, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड होगा उसका ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया मार्क करना, आपका ऑर्डर आएगा 2/3। अब इसमें भरेंगे कैसे इसको। प्यारे बच्चों ये जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो यहां पे ये फर्स्ट रो का एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड होगा। यहां लिखते हैं तो ये होगा बच्चों यहां पे A11 किससे मल्टीप्लाई होगा B11, बहुत आराम से सीखना, प्लस और A12
बी टू वन से एक एलिमेंट आ गया। जो आने वाला उसका ऑर्डर होगा दो रो तीन कॉलम। अच्छा अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो ए वन वन बी वन टू और ए वन टू बी टू टू। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए वन वन बी वन थ्री और ए वन टू बी टू थ्री। सिमिलरली नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ए टू वन बी वन वन ए टू टू बी टू वन। ये मल्टीप्लाई होगा इससे ए टू वन बी वन टू ए टू टू बी टू टू और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ए टू वन बी वन थ्री ए टू टू बी टू थ्री। और एक मैट्रिक्स आएगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन और इसका ऑर्डर आएगा टू बाई थ्री। फिर से बच्चों पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है कि नहीं है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का ये एलिमेंट जो बचा टू और यहां जो एलिमेंट बचा थ्री वो आएगा टू बाई थ्री। अब मैंने सिखाया कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो ये करस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई ए वन वन बी वन वन ए वन टू बी टू वन एड करके लिख देंगे। फिर ए वन वन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए वन वन बी वन टू ए वन टू बी टू टू यहां। फिर सिमिलरली दिस दिस दिस। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम आपको समझाते हैं कि आखिर मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, टू वन सिक्स थ्री और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चों माइनस वन जीरो टू वन थ्री वन कुछ भी नहीं। ए बी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ए बी का ऑर्डर आने वाला है टू बाई थ्री। न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के देखते हैं तो बच्चों टू मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से तो माइनस टू और ये माइनस टू प्लस वन वन इंटू वन। ये मल्टीप्लाई होगा जीरो और वन इंटू थ्री थ्री ओनली थ्री। टू टू जा फोर और फोर और वन फाइव। सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस थ्री और ये जीरो और थ्री थ्री जा नाइन और ये सिक्स टू जा ट्वेल्व और प्लस थ्री तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस वन थ्री फाइव और माइनस थ्री नाइन और फिफ्टीन। तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा टू बाई थ्री ऑर्डर का और यही आपका आंसर होगा मैट्रिक्स का। तो नोट करना बच्चों, देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो बच्चों हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिए, आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो पहला प्रॉपर्टी है कॉमुटेटिव लॉ डज नॉट नेसेसरीली होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस। कॉमुटेटिव लॉ यहां फुलफिल नहीं होगा बच्चों, जैसे आप लोग देखते थे कि टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू टू सिक्स होता है, लेकिन ए बी अभी बताएं कि ए बी यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, और ए बी का ऑर्डर कुछ है बी ए का ऑर्डर कुछ आता है तो कॉमुटेटिव लॉ यहां पे डज नॉट नेसेसरली होल्ड करेगा। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा बच्चों, लेकिन कॉमुटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। और यदि ए बी और बी ए बराबर है तो उसको बोलेंगे कॉमुटेटिव मैट्रिक्स, और ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है तो उसको बोलेंगे एंटी कॉमुटेटिव। तो कॉमुटेटिव लॉ होल्ड नेसेसरी होल्ड नहीं करेगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। थर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन दैट इज ए इंटू बी प्लस माइनस सी, ये होगा ए बी प्लस माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फुलफिल करेगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ द मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी
then it is not necessary that at least one of A and B should be zero. इसको समझना बच्चों अच्छे से. हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, आइदर ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. जैसे मैंने एक कोई मैट्रिक्स ले लिया जीरो 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 टू और बी मैट्रिक्स ले लिया वन जीरो जीरो जीरो. मैं आपसे बोलूंगी ए बी मैट्रिक्स बताओ बच्चों, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पहले पॉसिबल है कि नहीं ये तो चेक करोगे. कभी भी मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करेंगे बच्चों. इसका ऑर्डर है टू बाई टू, इसका ऑर्डर है टू बाई टू, पॉसिबल है इसका ऑर्डर होगा टू बाई टू. कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन? इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो जीरो इंटू वन जीरो, जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो और ये जीरो. क्या ए जीरो था? ए नल मैट्रिक्स था. वो का मतलब नल मैट्रिक्स नहीं. क्या बी नल मैट्रिक्स था? नहीं. लेकिन क्या दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ गया? हाँ. ऐसा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नोट करना बच्चों. तो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों. कैंसिलेशन लॉ डज नॉट नेसेसरली होल्ड. एडिशन में जैसे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं ना, वैसे मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कर सकते हैं. यानी ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम लोग बी ए और ए को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं. बी नॉट इक्वल टू सी, मल्टीप्लीकेशन में कभी भी हम लोग मैट्रिक्स को कैंसिल आउट नहीं करेंगे बच्चों, एडिशन में कट कर सकते हैं. अच्छा बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम लोग यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए इंटू आई ए ही होगा या आई इंटू ए. किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है. जैसे टू थ्री फोर फाइव, व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स? सभी बताए वन जीरो जीरो वन. तो जब यूनिट मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो देखो तो वही मिलेगा ना, टू थ्री फोर फाइव, टू इंटू वन ये जीरो, टू ये जीरो, थ्री. मतलब किसी भी मैट्रिक्स में भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चलो प्रॉपर्टी बच्चों, यदि मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो क्या करना होगा? ए मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करना होगा. और मुझे ए का पावर एन चाहिए तो, ए का पावर एन चाहिए तो ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों? एन टाइम्स, एन टाइम्स. यदि आपका कोई ए मैट्रिक्स है बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है बच्चों टू थ्री फोर फाइव, और मैं आपसे बोलूं ए स्क्वायर निकालिए, तो आप ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो? मैट्रिक्स ए क्यूब निकालना होगा तो पहले ए स्क्वायर फिर ए, ए की जगह टू थ्री फोर फाइव और फिर ए की जगह टू थ्री फोर फाइव. अब मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, टू टू जा फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व और फोर 16, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 15 और 6 21, 4 2 जा 8 और 8 और 20, 28 और 4 3 जा 12 और 25, 25 37. ठीक मैट्रिक्स आ गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अच्छा बच्चों, यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल D1 D2, और B भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D3 D4, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, तो A भी मुझे निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों? A भी आ जाएगा आपका D1 D3 जीरो जीरो, D2 D4. यदि डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी क्या होता है? डायगोनल. और जो मैट्रिक्स आएगा वो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो D1 D3 से मल्टीप्लाई होगा और D2 D4 से मल्टीप्लाई
हो जाएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ए प्लस बी का मुझे चाहिए होल स्क्वायर। तो कभी गलती मत करना बच्चों, हम लोग क्या पढ़ते थे अलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लेकिन यहां पे कभी नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, ए मल्टीप्लाई होगा ए से ए स्क्वायर, अब ए मल्टीप्लाई होगा बी से तो ए बी, और ये बी मल्टीप्लाई होगा ए से तो ये होगा बी ए, और ये बी मल्टीप्लाई होगा बी से तो ये होगा बी स्क्वायर। पहले किसको रखना है, बाद में किसको रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। अब क्या ए बी और बी ए बराबर हो सकता है? नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैं बोलूं कि यदि ए बी बराबर बी ए हुआ, कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होगा, तब ये दोनों मिलकर के टू ए बी हो जाएगा, तब होगा आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि कम्यूटेटिव होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरह से बच्चों मैंने आज क्या डिस्कशन किया, मैंने आपको मल्टी मैट्रिक्स का डिफिनिशन, उसका 10 टाइप्स और मैट्रिक्स का अलजेब्रा इक्वालिटी क्या है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसका सारा प्रॉपर्टी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही।